सो है गाइस, बॉस ऑफ एंड वेलकम बैक टू आर क्रिएटर जोन। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपनी फोटो में ग्रीन सिनेमेटिक कलर टोन डालने वाले हैं। आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, मैंने सिंपल फोटो को कुछ इस तरह से एडिट किया है। एंड गाइस, ये फोटो मैंने लाइट रूम के अंदर एडिट किए। सो गाइस, अगर आप भी अपनी सिंपल फोटो में कुछ इस टाइप का टोन डालना चाहते हैं, देन आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आप अपनी फोटो में कुछ इस टाइप का टोन कैसे डाल सकते हैं एंड अपनी फोटो को नेक्स्ट लेवल पे एडिट कर सकते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ओके गाइस, मैंने यहाँ पर भी लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। एंड इसके अंदर मैंने फोटो को इंपोर्ट कर लिया है जो फोटो मैं एडिट करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं, मैंने इस फोटो को इंपोर्ट किया है। एंड आपको अपनी फोटो को इस टाइप से क्लिक करवा लेनी है। पीछे का जो बैकग्राउंड गाइस आपका व्हाइट रहना चाहिए, पीछे कुछ दीवाली वाल होनी चाहिए एंड वहाँ पर अपनी फोटो को क्लिक करवा लेना है। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले अपनी फोटो को क्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आप यहाँ अपनी फोटो को क्रॉप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर क्रॉप कर लेता हूँ, मैं इतना क्रॉप कर देता हूँ। एंड मैंने ऐसे इसको डन कर दिया। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको इस वाले टूल पे आ जाना। एंड इसके सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइट को एडजस्ट करेंगे, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको इस वाले टूल पे आना है। एंड यहाँ से इसके हाईलाइट को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड यहाँ से इसकी शेडो को आपको माइनस में करना है। एंड गाइस, कंट्रास्ट को आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले टूल पे आना है। एंड यहाँ से आने के बाद आपको इसकी क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है। मैं इसी क्लैरिटी को बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से मैं 17+ कर देता हूँ। देन उसके बाद आपको इस वाले टूल पे आना है। एंड गाइस, यहाँ से आपको इसकी वाइब्रेशन को आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। आपको यहाँ पर कोई भी सेटिंग को यहाँ पर छेड़ना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर वाइब्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर मैं भी वाइब्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से आपको जाना है इस वाले टूल में। एंड यहाँ से आपको विस्टेज को आपको माइनस में करना है, हल्का सा आपको विस्टेज को माइनस में करना है। एंड गाइस, अब आपको इस वाले टूल पर जाना है। एंड यहाँ से अपनी फोटो में कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाले टूल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है। एंड इसकी सेचुरेशन को आपको -100 कर देना है। एंड यहाँ से आपको स्काई कलर को भी -100 कर देना है, ब्लू कलर को भी आपको -100 कर देना है। एंड यहाँ से आपको जितने भी सारे कलर हैं आपको यहाँ से -100 कर देना है। एंड गाइस, उसके बाद आपको यहाँ से इस वाले टूल पे आना है। एंड इसकी जो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फेस है, इस पर ऑरेंज कलर है, तो अभी हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। तो आपको इसके लिए आपको ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है एंड इसकी ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस में करना है, हल्का सा आपको माइनस में करना है। एंड गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर फेस है, यहाँ पर जो ऑरेंज कलर था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। देन यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। उसके बाद आपको इस वाले टूल पे आना है। एंड यहाँ से आपको शेडो को आपको सिलेक्ट करना है। एंड शेडो पे आपको थोड़ा सा एक बार क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप इंटरफेस आएगा। देन आपको यहाँ से सेचुरेशन को आपको थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लेना है। एंड बढ़ाने के बाद आपको हल्का सा सेचुरेशन को आपको बढ़ा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से ह्यू कलर को सिलेक्ट करना है एंड इसको आपको थोड़ा सा आगे पीछे ले जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी फोटो में यहाँ पर ग्रीन कलर आए, अब वहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर इफेक्ट आ रहा है, 119 कर देता हूँ। उसके बाद आपको इसकी सेचुरेशन को आपको हल्का सा बढ़ा लेना है। सेचुरेशन को मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ। उसको यहाँ पर मिड टोन्स पे क्लिक करना है। तो इसके अंदर अभी हम सिनेमेटिक ग्रीन कलर टोन डालने वाले हैं। तो यहाँ से मैं ग्रीन सिनेमेटिक ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 117 पे यहाँ पर जो हमारी फोटो में ग्रीन सिनेमेटिक कलर टोन आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ से ल्यूमिनस को आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। एंड गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जो ल्यूमिनस यहाँ पर थोड़ा सा कलर इफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ से मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर हाईलाइट में आना है। एंड यहाँ से आपको सेचुरेशन को आपको थोड़ा सा बढ़ा, ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ह्यू को आपको बढ़ाना है जहाँ पर आपको ग्रीन कलर टोन दिखे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रीन कलर टोन है हमको यहाँ पर 83 पे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से 83 कर दिया है। उसके बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा गैस इसको भी बढ़ा लेना है, सेचुरेशन को आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिनेमेटिक ग्रीन टोन है वो हमारी फोटो में आ चुका है। आप पहले की फोटो देख सकते हैं, गैस आप बाद की फोटो देख सकते हैं, बट गैस अभी इसके अंदर हम और एडिटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ से अभी इसे हम डन कर देते हैं। एंड गाइस, जो हमारा अंदर वाला प्रोसेस था वो खत्म हो चुका है। वाइब्रेशन को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। एंड गाइस, यहाँ से डन कर देंगे। वो कर्व को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर क्लिक करना है। इसको थोड़ा सा नीचे करना है, आपकी फोटो में एक येलो टोन आ जाए। नीचे की साइड में क्लिक करना, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाना है। तो यहाँ से मैं हल्का सा ऊपर ले जाता हूँ इसे। एंड गाइस, यहाँ से आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है, इसको गाइस आपको थोड़ा सा नीचे साइड में ले जाना है। एंड गाइस, यहाँ से ये रेड कलर को सिलेक्ट करना है, इसको आपको हल्का सा नीचे ले जाना है। व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है। एंड गाइस, यहाँ से आपको डॉट लगाना है, इसको थोड़ा सा माइनस में करना है, जो इसकी हाईलाइट है वो माइनस में हो जाएगी। एंड गाइस, यहाँ से आपको वापस से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर आपको 3 डॉट लगाने हैं, कि यहाँ पर मैं एक और डॉट लगा देता हूँ। एंड गाइस, मैं इतना लगाने के बाद उस थोड़ा सा इसको माइनस में कर देता हूँ। एंड यहाँ से आपको डन कर देना है। तो यहाँ पर मैं फोटो में कुछ अपनी जो फेस वगैरह है इसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर देते हैं, ताकि हमारे फेस वगैरह यहाँ पर देख, जो ग्रीन टोन हमारी फेस पे भी आ चुका है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी इस वाले टूल में आ जाना है। इसकी सेचुरेशन को मैं माइनस में करता हूँ, ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, व्यू को भी थोड़ा माइनस में करता हूँ। एंड गाइस, यहाँ पर देख सकते हो जो हमारे फेस है, यहाँ से ग्रीन टोन
रिमूव हो चुका है। एंड गाइस आप देख सकते हैं हमारे जो फेस से ग्रीन टोन है वो रिमूव हो चुका है। आप पहले की फोटो देख सकते हैं एंड गाइस आप बाकी फोटो देख सकते हैं। यहाँ से मैं रेड कलर को सिलेक्ट कर इसकी भी सैचुरेशन को माइनस में करता हूँ। उसके बाद ल्यूमिनस को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, व्यू को माइनस में करना है गाइस। एंड गाइस हमारी जो फोटो सक्सेसफुली एडिट हो चुकी है, इसमें काफ़ी अच्छी फोटो लग रही है। एंड गाइस आप भी अपनी सिंपल फोटो को कुछ इस टाइप से एडिट कर सकते हैं एंड अपनी फोटो में सिमिलरिटी ग्रीन टोल डाल सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।